में आपराधिक गतिविधियों में इजाफा होता देखा जा रहा है। इसी बीच हिंगना मार्ग पर रायट टाउन में तीन गुंडों द्वारा एक ग्राहक सेवा केंद्र के मालिक की दुकान में शराब नहीं पीने देने जैसी छोटी सी बात को लेकर गुंडों द्वारा दुकान मालिक की पिटाई करने का मामला सामने आया, जिसकी जाँच MIDC पुलिस कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की शाम अमोल मेढी दुकान के शटर बंद करके ऑनलाइन क्लास कर रहे थे। उस दौरान तीन व्यक्ति आए और कहा कि हम रोज सामने की दुकान में बैठकर शराब पीते हैं, जो आज बंद है, इसलिए हमें तुम्हारी दुकान में शराब पीने दो, ऐसी धमकी देना शुरू कर दिया। जब दुकान मालिक ने मना किया तो आरोपियों ने दुकान मालिक की पिटाई की और उनकी तिजोरी से 80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। तो 18 तारीख को शाम के 7:30 बजे के आसपास मैं अपने ऑफिस में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। उतने में हनुमंता लश्कर, यहाँ के लोकल एक गुंडा है खुशहाल पराते, ये भी एक गुंडा है, उसके साथ में एक सुभाष जाधव और एक आदमी, ऐसे चार लोग मेरे ऑफिस में आए। आते ही शटर खींच के बंद कर दिया। बंद करके फिर मेरे को बोले कि हम सामने वाली दुकान में बैठ के डेली दारू पीते हैं, वो बंद है, हमें आपकी दुकान में दारू पीना है। तो मैंने कहा भाई ये मेरी दुकान है, कोई बाहर नहीं है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं दारू पीने के लिए उन लोगों को ये नहीं कर सकता। तो वो लोग पहले से कहीं से पी के आए थे, नशे में इतने धुत थे कि जैसे मैंने मना कर दिया उनको ये बात बहुत नागवार गुजरी, तो उन्होंने ये फाइट मारना चालू कर दिया। मेरे को मार मार के बाहर निकला और बाहर निकाल के गिरा दिया मेरे को। फिर बाजू में पड़ा पत्थर ऐसे उठा के मेरे मुंह पे, मेरे छाती पे, मेरे पेट पे, मेरे हाथ पे ऐसे मारना चालू कर दिया। इस मार में मेरे ये सामने के चार दांत गिर गए हैं, यहाँ पे स्टिचेस आए, मेरे वोट फट गए थे पूरे, चेस्ट को भी बहुत बुरा मार है, इधर से पूरी तरह से सूजा था, इनके एक्सरे भी है चेस्ट के और उसके, और इतना मारने के बाद में दोनों ऐसे घुटने मेरे सीने पे ऐसे रुता के मेरे को नीचे गिरा दिया था। उतने में ये हनुमंता लश्कर बोला, वो दूसरे खुशहाल पर आते जो दोनों मुझे मार रहे थे। उस घटना में आरोपियों का नाम सुभाष जाधव, खुशहाल पराते और हनुमंता लश्कर है। इस मामले में MIDC पुलिस स्टेशन द्वारा जांच जारी है। कैमरा पर्सन सौरभ पाटिल के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।